हमारे पाकिस्तान में कॉल है कि मर्द के दिल का रास्ता सबसे करीबी पेट से होता है। इब्ने कय्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि द फास्टेस्ट वे टू रीच अ मैन्स हार्ट इज थ्रू द आइज, जो इंसान देखता है वही होता है। तो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, आई थिंक यू आर व्हाट यू थिंक एंड सी। ये जो आंखें हैं ना, हम सारा अपना जो इनटेक है, दिल का जो हालात है ना, वो इस पर बहुत डिपेंडेंट है, इन चीज़ों पे, इन दो चीज़ों पे। अगर इनसे हम बुराई देख रहे हैं और बदकारी देख रहे हैं और सारा दिन इन ख्यालात में है, व्हाट हैपेंस इज दिल भी मैला कुचैला होता जा रहा है और दिल भी वही वही करेगा जो सारा दिन इनपुट ये चीज़ ले रही हैं। बट अगर हम नज़रें नीचे करके बैठे हुए हैं और हमारा ख्यालात सोचें अच्छी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल साफ़ और पाक हो जाएगा। अल्लाह की ने कहा कि इन्ना फिल जसदी मुदगा, जिस्म में एक लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलह जसदु कुल्लू व इज़ा फसदत फसद जसदु कुल्लू अला वही अल-क़ल्ब। अगर ये ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक रह जाएगा, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म करप्ट हो जाएगा। जान लो कि वो दिल है। तो जो ये दिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हम लोग अगर सारा दिन ड्रामों से, टीवी से और थैंक्स टू सोशल मीडिया सारा दिन इस पर शोज देख के इसको करप्ट करें, एंड देन वी सी एंड देन वी आर व्हाई आई एम एडिक्टेड टू पॉर्न, व्हाई आई एम एडिक्टेड टू दैट गर्ल और ड्रग्स, फिर भी सवाल करें, तो दिस मीन्स कि वी आर प्लेइंग विद आवरसेल्व्स एंड वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। इस दिल का बहुत ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। तो अपने आँखों से, कानों से, जो आपके इनपुट डिवाइसेज हैं ना, आँखें, कान और ज़बान, ये अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा दिल को। क्योंकि जब दिल ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा, अगर ये ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। और दिस ब्रिंग्स अस टू हया, जिस शख्स से हया चली जाए ना, उसमें फिर कुछ भी नहीं बाकी रहता। अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा लम तस्तही फस्ना माशेत, अगर तुमसे हया चली जाए फिर जो मर्जी करना है करो, फिर कोई खैर नहीं बचेगी तुम्हें। और आप देख लें जो हया, हम एक और हदीस में आता है जिसमें यह आता है कि सुभान अल्लाह, अमेजिंग हदीस जो कि आप रिलेट करेंगे आजकल के टाइम से, कि जब किसी उम्मत में और कौम में बेहयाई को, बुराई को, न्यूडिटी को, वल्गैरिटी को, एक्सप्लिसिटनेस को एडवर्टाइज़ किया जाता है और अवामुन्नास के सामने किया जाता है, बिल बोर्ड्स पे, सब के सामने, तो उस कौम और उम्मत में अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों को नाजिल करेंगे जिसका नाम पहले उनके आबाओ अजदाद ने नहीं सुना होगा। आप कोई ऐसी बीमारी सुन रहे हैं आजकल जिसका नाम पहले नहीं सुना था हम लोगों ने? एग्जैक्टली, कोरोना वायरस देख लें आप, अब डेंगू देख लें, कैसी बात है कि साइंटिफिक रिसर्च साल पहले तक इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि उसने अभी इतनी एडवांसमेंट की है कि उसने कोरोना वायरस अभी डिस्कवर किया है, नहीं। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द साइंटिफिक रिसर्च, द प्रॉब्लम इज कि ये आया कहाँ से। हमें इस्लाम बताता है कि जब गुनाह आम हो जाए और उनको एडवर्टाइज किया जाए, देन दिस डिस्ट्रॉयज अ नेशन।